Now, students, we are going to start with different methods of measuring elasticity of demand. There are total three methods that has been given in your book. So, first method जो हम लोग जानते हैं और हम लोगों ने use भी किया है, ratio method बोलते हैं, percentage method बोलते हैं या फिर proportional method, तीनों का मतलब same है. ये तीनों तीन method actual level पे Alfred Marshall ने दिए थे ताकि हम elasticity calculate कर सके, response को calculate कर सके. Formula हमारे पास available है, हम परसेंटेज का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं एज वेल एज ये रेशियो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं. दोनों में से कोई भी फार्मूला तुम यूज़ करो, यू विल गेट दी सेम आंसर. सबसे पहले मैं तुम्हें परसेंटेज वाला फार्मूला यूज़ करके सिखाता हूँ कि किस तरह इलास्टिसिटी ढूंढा जाता है, एंड वन एग्जाम्पल ऑफ रेशियो फार्मूला एज वेल जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ, तो ताकि तुम्हें पता चले कि दोनों मेथड को यूज़ कैसे करना. सोचो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है ये फार्मूला को अप्लाई करने के लिए कि डिमांड के अंदर 100% चेंज हो रहा है और प्राइस के अंदर 50% चेंज हो रहा है. मीन्स प्राइस अभी 50% चेंज किया कोई प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ए फॉर एग्जांपल, तो उसकी डिमांड 100% चेंज हो रही है. और ये केस में अगर मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं 100% न्यूमरेटर में लिख रहा हूँ क्योंकि डिमांड ऊपर आएगा, एंड 50% को डिनोमिनेटर में लिखता हूँ क्योंकि प्राइस नीचे आएगा. सॉल्व करने पर तुम्हें आंसर मिल जाएगा, एंड आंसर इज 2. सो परसेंटेज के अंदर तो सिर्फ तुम्हें 2% की इन्फॉर्मेशन चाहिए, दोनों को तुम डिवाइड करके यू कैन गेट दी आंसर. सो ये तो बहुत सिंपल मीन्स अगर इन्फॉर्मेशन परसेंटेज में है तो ये फार्मूला बहुत ही यूजफुल. बट अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन परसेंटेज में नहीं है इस तरह नंबर में, जैसे कि बताया हुआ है कि 20 रुपी के प्राइस पे मार्केट में 10 डिमांड थी और 25 रुपी के प्राइस पे मार्केट में डिमांड 9 है. सो वी हैव द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर, हमारे पास परसेंटेज नहीं. तो ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए ये वाला फार्मूला है, और ये फार्मूला में तुम लोग देख रहे हो 1, 2, 3, 4 चार इंफॉर्मेशन चाहिए, चार चीज़ें चाहिए ये फार्मूला को अप्लाई करने. सबसे पहले क्या चाहिए, चेंज इन क्वान्टिटी, वो तो मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ 10 से 9. तो क्वान्टिटी चेंज कैसे ढूंढते हैं, न्यू क्वांटिटी दैट इज Q2 माइनस ओल्ड क्वांटिटी दैट इज Q1. न्यू क्वांटिटी कितना है 9 माइनस 10 एंड दैट इज 1. अभी हम लोग माइनस साइन को इग्नोर करते हैं, इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते सर. फिर चेंज इन प्राइस कितना है, तो तुम देख रहे हो P2 माइनस P1. P2 कितना है 25 माइनस 20, तो आंसर आया 5. ओरिजिनल प्राइस कितना है, तो ओरिजिनल प्राइस में मैंने बताया स्टार्टिंग वाला जो प्राइस होता है 20, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है जो कितना है 10. सो मेरे पास 1, 2, 3, 4 चारों इन्फॉर्मेशन आ गई. माइनस साइन को इग्नोर किया जाता है, इलास्टिसिटी को हम कैलकुलेट करते तभी प्राइस इलास्टिसिटी. उसका रीज़न है कि माइनस साइन डालकर तुम कन्फ्यूज हो जाओगे. कैसे कन्फ्यूज हो जाओगे उसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सम सॉल्व करते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, दैट इज सबसे पहले चेंज इन क्वांटिटी दैट इज 1, आफ्टर दैट चेंज इन प्राइस दैट इज 5, मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस दैट इज 20 एंड ओरिजिनल क्वांटिटी दैट इज 10. सो हमारे पास चारों चार इंफॉर्मेशन है. सो 5 ones are 5 fours are 4 upon 10 विथ 0.4, जिसका मतलब ई का आंसर लेस देन 1 आया. और जब भी लेस देन 1 आता है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव इनइलास्टिक. सो आई थिंक सो कि तुम्हें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो पता चल गया. अभी ध्यान क्या रखना है, माइनस साइन को इग्नोर हम क्यों करते हैं. अभी स्टूडेंट्स सोचो, दो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी. मैंने ए का इलास्टिसिटी कैलकुलेट किया माइनस साइन डालकर, तो सोचो आंसर आया -2 और बी का -4. अभी ये -2 और -4 के केस में अगर मैं बोलूँगा रिस्पॉन्स किस में ज़्यादा आ रहा है, तो काफ़ी स्टूडेंट बोलेंगे सर इसमें. क्यों, क्योंकि उनको लगता है -2 बड़ा नंबर, तो गड़बड़ हो जाती है. माइनस साइन डालकर हम लोग जो चीज़ में रिस्पॉन्स आ रहा है उसकी जगह पे दूसरी चीज़ को बोल देते हैं कि उसमें रिस्पॉन्स ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है. एक्चुअल लेवल में 4 बड़ा नंबर है और रिस्पॉन्स असलियत में इसमें ज़्यादा आ रहा है, लेकिन माइनस साइन डालकर स्टूडेंट सोचते हैं कि ये बड़ा नंबर है तो रिस्पॉन्स इसमें ज़्यादा आना चाहिए. सो माइनस साइन को इग्नोर करके हम कन्फ्यूजन को हटा देते हैं और फिर क्लैरिटी आ जाती है, इसीलिए हम माइनस साइन को इग्नोर करते हैं. तो मैंने तुम्हें बता दिया कैसे रेशियो मेथड, परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनल मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं
इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए. इफ़ द इंफॉर्मेशन इज इन टर्म ऑफ परसेंटेज तो हम ये करेंगे, इफ़ द इंफॉर्मेशन इज इन टर्म ऑफ क्वांटिटी तो हम लोग इस तरह फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट मेथड हैज़ बीन कंप्लीटेड.